ये स्प्रिंग रोल्स की पट्टियाँ हैं, तो ये साथ में मैंने ये बनाया है इसका मिक्सचर। इसमें मैंने चिकन डाला है, वही गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, और बस फ़र्क ये है कि इसमें मैंने ना मेयोनीज डाली है। यकीन करें इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कोई करके देखे तो फिर ज़रूर बताएं। और कुछ भी नहीं है, और मैं बस ये देख लें स्प्रिंग रोल्स हैं, ये हलाल वाली हैं, ये जस्ट फॉरन हैंडी काम बना लें। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, उनको बस यही चाहिए। मुझे तो लगता है रोज़ा ही वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि उनको स्प्रिंग रोल चाहिए। अब मैं ये आपके सामने खोलती हूँ, ये बहुत आसान है खोलने ना, मतलब बहुत अच्छी पट्टियाँ हैं ये, कि वुलवर्थ से मिल जाती है हमारे यहाँ ना, मतलब इजीली। ये बेस्ट पट्टी है, बहुत ही अच्छी हैंडी। ओहो ये देखें, मैं आपके सामने ना ये मिक्सचर डाल रही हूँ, और ये मैं अब आपके सामने बनाने लगी हूँ। जितना मर्जी ये लंबा सा कर ले, ये बहुत अच्छी रोल पट्टी है, ये टू इजी। इसको मैं अब ऐसे भी कर सकती हूँ, और ये मैं यहाँ पर लगाऊंगी थोड़ा सा। ये मैंने आटे की बनाई हुई है ग्रेवी सी, ये लगा के। ये बहुत ही अच्छी पट्टियाँ हैं, ये ज़रा नहीं फटती, और इनको आप फ्रीज करके रख लें, और फिर मैं बाद में आपको इंडिविजुअल पैकिंग भी करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े का प्यारा सा ये रोल तैयार हो जाता है। अब ये मैंने 20 बनाए हैं रोल, इसके 20 ही रोल बनते हैं। मैंने कहा ये मैंने इंडिविजुअल पैकिंग की हुई थी, ये इसमें से मैंने निकाला, और ये मैं रोल डाल रहा हूँ। ये मैं रोल्स की रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी बहुत जल्द। ये देखें जी फाइनल रिज़ल्ट, सुपर सुपर बने हैं ये देखें।